तो फाइनली गाइस जवान का सेकंड सॉन्ग रिलीज हो चुका है और पहला सॉन्ग को जैसे ऑडियंस की तरफ से रिस्पॉन्स मिला था, सेकंड सॉन्ग को भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर बात करेंगे कि जवान का फाइनल ट्रेलर कब आने वाला है, देखो फाइनल ट्रेलर की भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट होने वाला है, क्योंकि भाई जवान का ट्रेलर यहीं पर रुकने वाला नहीं। पहले आया था एक टीजर, फिर आया रिलीज अनाउंसमेंट टीजर, एंड फाइनली आ गया प्रीव्यू वीडियो, फिर उसके बाद एक सॉन्ग और अभी एक सॉन्ग। देखो इसके बाद भाई कोई सॉन्ग फॉन्ग आने वाला नहीं, एक ट्रेलर आने वाला है जो कि फाइनल ट्रेलर जवान का। एक मूवी से दो ट्रेलर निकालना, सोचो मूवी में कितना दम होगा। तो गाइस सबको बताया कि जवान रिलीज होने वाला है 7 सितंबर को, जिसका पहले एक रिलीज डेट था 2 जून, बट मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया 7 सितंबर को, क्योंकि मूवी का काम बहुत ही बाकी था। लेकिन आपको बताया कि उस टाइम पर आदि पुरुष रिलीज हो रहा था, बहुत सारे ऑडियंस ये कह रहे थे कि ये आदि पुरुष को डर के भाग गया सालार के पास। देखो आदि पुरुष कुछ नहीं था, सालार है असली बम, जो रिलीज होने के लिए जा रहा है 28 सितंबर को। अभी तो बहुत सारे ऑडियंस तो कह रहे हैं कि भाई सालार जवान का क्लेश होने वाला है। देखो 20 दिन के बाद रिलीज हो रहा है सालार, कहाँ और ये कहाँ का और कैसा क्लेश। 20 दिन के बाद रिलीज हो रहा है सालार, 20 दिन के अंदर जवान तो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई लेगा। और देखो अभी के टाइम पे गद्दर 2 का जितना क्रेज चल रहा है इंडिया में, हर गली में भाई गद्दर 2 का डायलॉग सुनने के लिए मिल रहा है। आप 7 सितंबर को वेट करो जवान का डायलॉग भाई, वैसे कि हर गांव और हर गली में सुनने के लिए मिलेगा। और ऑडियंस तो भाई इस मूवी को देखने के लिए जाएंगे, बहुत बार देखने के लिए जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग भाई वेट कर रहे हैं कि 2023 की अगर एक ऐसी मूवी है जो जवान, जिसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। इतना क्रेज़ मैंने आज तक नहीं देखा था, जब से इसका प्रीव्यू वीडियो आ चुका है क्रेज़ भाई 100 गुना नहीं 200 गुना बढ़ गया है जवान का। और किंग खान भी एक स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जवान एक ऐसी मूवी है जो किसी ऑडियंस को निराश नहीं करेगा। और क्या चाहिए, अगर निराश नहीं करेगा और क्या चाहिए। और डायरेक्टर इटली के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो मूवी एक बहुत ही शानदार मूवी होगा। तो गाइस आप लोगों का क्या कहना है कि जवान को लेकर, क्या जवान का पहला दिन का कलेक्शन पठान का रिकॉर्ड को तोड़ सकता है या नहीं, ये मेरे को जरूर कमेंट करके बताना। और ओवरसीज एंड टोटल कलेक्शन होगा वो KGF एंड RR का रिकॉर्ड को तोड़ सकता है या नहीं, ये भी कमेंट करके बता देना। अगर आज की वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगले एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।